हाँ एक सेकंड, लाइट थोड़ी, लाइट थोड़ी। ये क्या है? दाल। ये दाल फ्राई। से आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ। व्हाट इज नेक्स्ट? अब नेक्स्ट ये है। हे लव यू ऑल माई टू फैमिली, मैं आपका दोस्त ईशान अली फिर से आपके पास एक बार। तो आज मैं फिर से आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ। व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब नेक्स्ट ये है कि मैं आया हूँ फिर से मुमरा में और मेरे साथ भाई चल रहे हैं। भाई आपका नाम? सैयद सुल्तान। सैयद भाई है, सैयद सुल्तान नाम है इनका। और ये मुझे अभी जबल लॉन्स, राइट? जी, जबल लॉन्स, जबल वेडिंग्स हॉल पर हम जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का एनवायरमेंट, लोकेशन, डिज़ाइन, डेकोरेशन, सारी चीज़ें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। जब सुल्तान भाई साथ में मेरे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं इस ब्लॉग में। तो लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा, ब्लॉग को, और ढेर सारा प्यार। तो सुल्तान भाई अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ीशान अली। सैयद सुल्तान। तो आप, मैं यहाँ पर आया हूँ जबल। जी। तो जबल लॉन्स है ये स्पेशली, क्या क्या चीज़ है यहाँ पर आप मुझे सारी डिटेल बताइए, सारी इन्फॉर्मेशन बताइए। मैंने क्योंकि बाहर देखा बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। जी। तो मुझे सारी चीज़ें बताइए आके, ताकि ऑडियंस को, यूट्यूब फैमिलीज को, जहाँ जहाँ तक ये ब्लॉग जाएगा उन लोगों तक ये पता चलेगा कि मुमरा में एक किस जगह पर आता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके पास। ठीक है। हाँ सुल्तान भाई, मुझे क्या बताएंगे सबसे पहले आप यहाँ पर किसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है बताइए। जैसे अभी आपने हॉल देखा, एंट्री जहाँ अंदर आए, पहली बात तो हम लोग ने हॉल एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया। हाँ। क्योंकि पूरे मुमरा में लाइव स्टेज किसी के पास अवेलेबल नहीं। लाइव स्टेज, जैसे आपने स्टेज देखा, स्टेज हमारा लाइव स्टेज है जी। जो झरना पीछे, जो वाटरफॉल हम लोग ने दिया है, मुझे ले चलेंगे वहाँ के पीछे। जी चलिए, देख सकते हैं सबसे पहले। आइए तो चलिए, मैं सुल्तान भाई के साथ में मुझे लेके चल रहे। सुल्तान भाई
जमाना हो कैसे है? हाँ कोई बात नहीं, चलता है। कैसे आप सब? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं किचन आया हूँ, आप देख सकते हैं, और ये सारी वेडिंग्स के इंतजाम होते हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें। हाँ बहुत ज़्यादा ठसका लग रहा है, सही बात है। ये क्या है? दाल। ये दाल फ्राई है। हाँ। आपका जनाब? चावल है। चावल बासमती राइस। ये बासमती राइस है। ये क्या है जनाब? चिकन लाल कोरमा। हाँ ये आपका चिकन कोरमा है। चिकन जीरा कोरमा। एक सेकंड हिला दो, हिला दो, चलो हिला दे। ये कौन सा है? ये जीरा कोरमा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। ये देख सकते हैं, ये क्या है जनाब? ये कटलेट्स लग रहा है, राइट? ये है बॉक्स कबाब। बॉक्स कबाब, बॉक्स कबाब। और ये? ये है सिज़लर का ट्रे है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही है, तंदूरी रोटी। हाँ हाँ ये सिज़लर आपका तैयार हो गया, बहुत ही यूनिक। हटाई मारा करो, दोसर भी जलाई दे। चम्मच चम्मच चम्मच। तो देखा आप लोगों ने, सिज़लर बहुत ही अच्छे अंदाज से यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे तंदूरी रोटी भी बन रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। सॉरी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये देखिए भाई, बहुत जोश में कर रहे हैं तंदूरी रोटी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है तासीम। आप क्या बना रहे, तंदूरी रोटी? अच्छा, इसमें आप अभी मस्का लगा रहे हैं। ये क्या है? मस्का। मस्का है। आइए देखिए तंदूरी। जी सुल्तान भाई, बहुत ही अच्छा लगा। ये मैंने बैकग्राउंड देखा, फाउंटेन जो बैकग्राउंड था आपने, वाटरफॉल, और उसका जो मेन जो सिंहासन रखा हुआ है, सिंहासन नहीं, वो एक्चुअली स्पेशली डिजाइन चेयर है ग्रूम के लिए। अच्छा, ये हम लोग ने अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचा। नहीं, नॉर्मल चेयर तो हर किसी के पास अवेलेबल होती है, जी जी, व्हाइट कलर में, रेड कलर में, गोल्डन में। सही, एक अलग थिंकिंग के हिसाब से हम लोग ने चेयर ऐसी डिजाइन की है, यानी मार्केट में भी अवेलेबल है डिजाइन, ऐसा नहीं कि हम लोग ने सेपरेट किया, लेकिन ये थोड़ा हट के यहाँ के लोगों के लिए था, उसके लिए हम लोग ने स्पेशली ये चेयर को ऑर्डर करके बनवाए। अच्छा, इसको ऑर्डर करके? हाँ, ऑर्डर किया अपने हिसाब से, पूरा बनवाए बैठा के, और हर चीज हम लोग ने एकदम अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एकदम रॉयल वेडिंग के हिसाब से। हाँ। हम लोग ने बनाया, जैसे भी आप मेरे पीछे मेरा बैकग्राउंड देख सकते, बैकग्राउंड गोल्डन बैकग्राउंड, बहुत कोई पर्दे का काम नहीं किया है, पूरा फाइबर का काम हुआ बैकग्राउंड के, पूरा आर्ट बना हुआ है, पूरा आर्टिस्ट के हिसाब से पूरा काम हुआ, एक अलग चीज लोगों को तक पहुंचाने की वो थी। और कितना बड़ा स्पेस है, कितने लोग आ सकते हैं? 500 से लेके 1500 तक का रोल ओवर के ऊपर। ये वीआईपी, ये वीआईपी दिया गया सेपरेट। ये देखिए, ये वीआईपी, वीआईपी टेंट है, टेंट बोलेंगे ना इसको? हाँ, टेंट बोलेंगे या वीआईपी सेक्शन, वीआईपी सेक्शन है, वीआईपी कैबिन बोलिए। और बाकी इतना सब देख सकते हैं आप, ये पूरा 500 का बहुत बड़ा स्पेस है ये भी। और सबसे बेस्ट पार्ट डेकोरेशन, मैंने जैसा फ्रंट में आपको दिखाया जी, और इसका बैक जो फाउंटेन है कंटिन्यू, जो वाटर्स है, और जो इसका सिंहासन तो वो भी बहुत क्लास है, बहुत ही यूनिक है, बहुत अट्रैक्टिव ओवरऑल। आप देख सकते हैं काफी क्राउड है यहाँ पर जी।
तो और शादी भी है 1000 लोग की, तो ऐसा कोई मसला नहीं है अपने यहाँ पे जी। तो और हर चीज़ अवेलेबल है, यानी अगर आप मेरा हॉल बुक करते हो तो आपको हॉल जो है अभी डेकोरेशन इंक्लूडेड मिलता है। अच्छा, डेकोरेशन आपको कोई चीज़ का एडिशनल चार्जेस नहीं है जब तक आप कोई चीज़ एडिशनल कराते नहीं। बराबर, यानी जैसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो चीज़ अगर आप मांगते हो तो वो चीज़ का आपको चार्जेस अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैं मेरे हॉल के साथ आपको 50 टेबल्स दे देता हूँ, चेयर्स दे देता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें इंक्लूड करके देता हूँ। काउंटर्स के टेबल है, 50 टेबल्स अवेलेबल है, आपके डाइनिंग एरिया में 10 टेबल अवेलेबल है, एक्स्ट्रा टेबल अगर आप ले तो एक्स्ट्रा चार्ज उसका देना पड़ता है। चेयर्स है मेरे पास, सोफे है मेरे पास, हर चीज़ यानी जो अवेलेबल है वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पैकेज के अंदर आती है। अच्छा, ये स्टेशन से कितना दूर है? स्टेशन से हार्डली 15-20 मिनट्स का रास्ता है, यानी 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, ये वाई जंक्शन आता है यहाँ पे मुमरा पे बाईपास के लिए जी। ये वहाँ पे लोकेटेड है, एवीके कंपाउंड के पास। और आज बहुत फॉगी लग रहा है, बराबर? आज क्लाइमेट बहुत फॉगी है माशाल्लाह, आज जो विंटर का सीजन चल रहा है उसके हिसाब से आज काफी फॉगी है, इसके अलावा फॉगी वीडियो आ रही है। फॉगी, बराबर बोला मैं, जब मैं ब्लॉग निकाल रहा हूँ तो बहुत फॉगी वीडियोज आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, लोग भी यहाँ पर ठंडी का मजा ले रहे हैं। और सुल्तान में कुछ और मुझे बताएंगे इसके अलावा क्या क्या है, मतलब जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिट क्या के लिए? अभी हम लोग ने आगे चल के एक चीज ये सोचा है ना कि अगर हमारे पास कोई न्यू कस्टमर आता है बुकिंग के लिए तो हम लोग एक कंप्लीट पैकेज उसको देने वाले हैं। हॉल, डेकोरेशन, कैटरिंग विद स्पेशल एंट्री विद काउंटर, यानी एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, और बहुत नॉमिनल रेट में हम लोग देने वाले हैं, यानी हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है उस रेट में। उसके साथ आपको वीडियो शूटिंग वगैरह सारी चीजें उसमें अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग मई तक वो प्लान को कंप्लीट कर देंगे और लोगों तक वो चीजें पहुंचा देंगे हम लोग। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर कोई हमारे पास आता है तो उसको वेडिंग प्लानर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर एक बार आ गया तो हर चीज उसको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, उसको कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा किसी चीज के लिए। बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया A to Z, मतलब ये जहाँ जहाँ तक वीडियो जाएगी, ब्लॉग जाएगा, लोगों को सारी चीजें पता चलेगी बिल्कुल नहीं। और मैं माय यूट्यूब फैमिली में आपको बात करता हूँ, पहले सुल्तान भाई से मैं फाइनली, सुल्तान भाई इसके अलावा कुछ ये सब चीज़ें तो जो अवेलेबल है वो, इसके अलावा अपने पास और भी चीज़ें हैं जो उसको लोग अलग से डेकोरेशन कराते हैं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, वो भी हम लोग करवा के देते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं। प्लस हम लोग की लाल किला कैटरिंग खुद अवेलेबल है, अगर आप मेरा हॉल बुक करते हो तो आप उसके बाद मेरी कैटरिंग भी ले सकते हैं, यानी जिसका हॉल है उसी की कैटरिंग, उसके हिसाब से हम लोग और अच्छे से इस प्रोग्राम को मैनेज करके मेमोरेबल बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और सुल्तान भाई इसके अलावा सारी चीजें, सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। जो आप प्लस दो चीजें और मैं बताना भूल गया, जैसे कि दोनों सेक्शन के लिए सेपरेट वॉशरूम है, लेडीज के लिए चेंजिंग रूम है पीछे। अच्छा, ये चेंजिंग रूम है, आप देख सकते हैं जो जाए ना, ये चेंजिंग रूम है, जाना है पीछे, वहाँ चेंजिंग रूम है, वॉशरूम है, रेस्ट रूम है, सब चीजें अवेलेबल है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा सुल्तान भाई, बहुत ही अच्छा आपने इन्फॉर्मेटिव आप दिया सारी डिटेल्स। सो माय यूट्यूब फैमिली, देखा सुल्तान भाई ने सारी डिटेल्स मुझे बताई, सारी चीजें A to Z आपको डिप टू डिप, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आपको बुक करना है शादी के लिए, उसके अलावा उन्होंने सारी चीज़ें बताई, इवेंट हो, कोई भी फंक्शंस हो, आप बुक कर सकते हैं। इनका एक पर्सनल कैटरिंग भी है इस लाल किला, तो आप आइए, एंजॉयमेंट। हार्डली 20 मिनट से दूरी पे है, आज जो क्लाइमेट है वेरी फॉगी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं हुडी पहना हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। और यहाँ पर और यहाँ पे तो कस्टमर्स आए हैं वेडिंग के लिए, शादी के लिए, एंजॉयमेंट करें, तो मैं भी एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, सुल्तान भाई भी एंजॉयमेंट, और जितने लोग हैं यहाँ पर सब एंजॉयमेंट करें। तो ठीक है, फिर भी मैं चलता हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं फाइनली आपको बाहर की। आप दाल में, आपका नाम आजाद, आजाद भाई दाल में आप बताइए। असलम, अच्छे से बना दो भाई। हाँ, एक सेकंड, लाइट थोड़ी वो वाला नहीं, आग वाला निकले तब लेना भाई। हाँ हाँ ठीक, ये अच्छा, ये ज़्यादा बेहतर, पिछला वैसे ही रहता। बहुत अच्छे। सो देखा आपने, बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम था, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, A to Z इन्फॉर्मेशन सुल्तान भाई ने बताया, मैंने बताया आपको, सारी चीज़ें दिखाई, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप भी बुक करिए या शेयर करिए, जिसको अच्छा रहेगा वो भी इसका फ़ायदा उठाएगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं जबल के नीचे खड़ा हूँ और जो चीज़ें मैंने दिखाई हूँ आपको वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉयमेंट किया, बहुत ही अच्छा स्पेस भी है। और सो मैं आ चुका हूँ हाईवे पे, देख सकते हैं मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, और ये रहा जबल का एंट्रेंस जो मैंने आपको अंदर से पूरा डिटेल दिखाया। तो बहुत ही अच्छा था सफ़र आज का ब्लॉग, मैंने बहुत इन्जॉयमेंट किया, हर ब्लॉग में मैं बहुत इन्जॉयमेंट करता हूँ, आप लोग भी बहुत इन्जॉयमेंट करते हो। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस ब्लॉग को, बहुत ही सेटअप अच्छा है, और सारी चीज़ें इनके रिलेटेड में, मतलब आप इनको खाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं इनका खुद का लाल किला ऑफर से। तो ठीक है, लव यू ऑल।
बाय बाय, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, ट्रैवल फूड या लाइफस्टाइल।